हेलो एवरीवन, वेलकम टू और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि थंबनेल देखकर समझ में आ गया होगा, ये वीडियो है TCS की हायरिंग को लेकर। TCS जो कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स निकाली है फॉर फ्रेशर्स हु आर पासिंग आउट इन द कमिंग ईयर। अब ये जो ओपनिंग है, ये आर्ट साइड, कॉमर्स साइड और साइंस साइड तीनों के लिए है। अब हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी किन ग्रेजुएट्स के लिए है, तुम्हें कैसे अप्लाई करना है, इसका टेस्ट कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस TCS BPS role is for graduates who are passing out in 2024. अब जैसा कि मैंने पहले बताया, ये particular role हर एक stream के लिए open है, तो इसी वजह से हर एक stream को उनके vertical की job मिलेगी। जैसे कि अगर हम BPS की बात करें, तो BPS यानी कि business processing services, यानी कि वो services जो कि एक business को smoothly run करने में help करती हैं। Finance की services जो कि commerce students के लिए होंगी, IT services जो कि science stream students के लिए होंगी, उसके अलावा HR की services, operation management की services, supply chain मैनेजमेंट जो कि आर्ट साइड स्टूडेंट कर सकते हैं, उनके लिए होंगी। सो बेसिकली तुम्हें यहाँ पर हर एक वर्टिकल और हर एक कैटेगरी में ओपनिंग होगी। तुम्हें ये तुम्हारी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग और तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग जॉब दे। अब ज्यादातर जितनी भी ये BPS सर्विसेज है, ये एक कंपनी दूसरी कंपनी को प्रोवाइड करती है, यानी कि ये आउटसोर्सिंग सर्विसेज के सेगमेंट में आती है। अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि ये रोल क्या है। अगर तुम्हें ये BPS रोल इंटरेस्ट करता है, तो तुम इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट इससे पहले दो चीजों का ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर रोल के लिए तुम्हें डे शिफ्ट भी मिल सकती है, नाइट शिफ्ट भी मिल सकती है। जितनी भी नाइट शिफ्ट होंगी, उनके लिए तुम्हें स्पेशल अलाउंस मिलेगा। उसके अलावा अगर हम सैलरी की बात करें, क्योंकि ये एक फ्रेशर बेस्ड जॉब है, BPS रोल है, तो यहाँ पर जो सैलरी होती है वो 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में वैरी करती है, डिपेंडिंग ऑन योर जॉइनिंग लोकेशन एंड योर डिग्री एंड द टेस्ट दैट यू हैव गिवन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। यानी कि अगर तुम्हें बैंगलोर में पोस्टिंग मिलती है, तो उसका अलाउंस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अ पोस्टिंग जो कि तुम्हें लखनऊ में मिलेगी। तुम IT सेक्टर में जाते हो, तो तुम्हारा जो सैलरी होगी वो थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द HR रोल। और यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद यू आर फ्री टू मूव इन टू द IT इंडस्ट्री। ये पर्टिकुलर लोग बेसिकली लोग एक्सपीरियंस लेने के लिए जितने भी फ्रेशर्स होते हैं वो करते हैं, और वो जनरली 2 से 3 साल बाद स्विच कर जाते हैं हाई पेइंग कंपनीज के पास। अब अगर तुम्हें इस पर्टिकुलर जॉब में इंटरेस्ट है, तो लेट्स अंडरस्टैंड इसका एप्लीकेशन प्रोसेस। इस जॉब को अप्लाई करने की एंड डेट है 20th September, और जो इसका टेस्ट होगा वो होगा 20th October को। अब एप्लीकेशन हमारा 2 स्टेप में होगा। सबसे पहले होगा हमारा एक टेस्ट ड्राइव, यानी कि यहाँ पर तुम्हें एक टेस्ट देना होगा जो कि 20th October का होगा। अगर तुम ये टेस्ट क्लियर कर लोगे, तो तुम इनके सेकंड स्टेप पे जाओगे, दैट इज इंटरव्यू प्रोसेस। तुम्हें यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो इनका TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल है, उस पे जाके लॉगिन करना होगा। मैं नीचे वो लिंक डाल दूंगी। और ये ध्यान रखना कि तुम्हारे पास आधार कार्ड हो, और जो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है वो आधार कार्ड से मैच करनी चाहिए। अब जो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जैसे ही तुम उस पे क्लिक करोगे, कुछ ऐसा सा पेज ओपन होगा। यहाँ से तुम्हें रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पे आना है, देन यू हैव टू गो टू दिस BPS पेज। अब यहाँ पर तुम्हें अपना ईमेल डालना होगा। ये ईमेल यूज होगा तुम्हारे नेक्स्ट स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस में, तो इसका ईमेल आईडी और पासवर्ड जरूर ध्यान रखना, और इसको डेली बेसिस पे चेक करते रहना फॉर गेटिंग अपडेट्स। अब ईमेल आईडी डालने के बाद तुम्हें अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आधार कार्ड, नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो सब चीजें एंटर करनी होंगी। एंटर करने के बाद तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, उस पर तुम्हें क्लिक करना है, और फिर तुम्हें पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स और अपनी अदर डिटेल्स डालनी होंगी, और फिर फाइनली तुम्हें एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को भरना बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी तरीके से दिया हुआ है। इस फॉर्म को भरना बहुत ही सिंपल है। जब तुम इस फॉर्म को फिलअप कर लोगे, इसको फिल करने के बाद जो इनका रिक्रूटमेंट ड्राइव है, उसमें तुम्हें अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। रिक्रूटमेंट ड्राइव जो इनका पहला स्टेप है टेस्ट का, उस पर तुम अप्लाई करोगे। उसके बाद तुम्हें ऑप्शन मिल जाएंगे कि तुम्हें कौन सी सिटी में ये टेस्ट देना है, अपने अकॉर्डिंग चीजों को सिलेक्ट कर लेना। जब तुम अपनी टेस्ट ड्राइव की डिटेल्स फिल कर लोगे, तब तुम्हें एक मेल आएगा हॉल टिकट का, जहां पर तुम्हें सारी डिटेल्स मेंशन होंगी कि तुम्हें कहां पर जाकर देना है, तुम्हारा नंबर क्या है, कब पहुंचना है, वो सारी चीजें मेंशन होंगी। इट इज वेरी सिमिलर टू एनी एंट्रेंस एग्जाम दैट यू गिव। और फिर अगर तुमने ये टेस्ट क्लियर कर लिया, तुम्हें एक ईमेल आएगा दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। फिर इंटरव्यू प्रोसेस अगेन तुम्हारा किसी एक पर्टिकुलर इनके ऑफिस में होगा, वो क्लियर कर लिया, यू कैन डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू टेक अप दिस जॉब और नॉट। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू एस्पायरिंग कैंडिडेट जिनको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। और इसके अलावा अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है आफ्टर रजिस्ट्रेशन, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस ईमेल आईडी और हेल्पलाइन नंबर।